चतुर बीरबल में आज की कहानी है पांच सवाल। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में अपने दरबारियों से पांच प्रश्न किए, जो इस प्रकार थे। पहला प्रश्न, फूल किसका सबसे अच्छा? दूसरा प्रश्न, दूध किसका सबसे अच्छा? तीसरा प्रश्न, मिठास किसकी अच्छी? चौथा प्रश्न, पत्ता किसका अच्छा? और पांचवा प्रश्न, कौन राजा सबसे अच्छा? यह सभी प्रश्न सुनकर सभी दरबारी आपस में विचार विमर्श करने लगे। हर कोई अपने हिसाब से किसी को अच्छा बताता, तो किसी ने बादशाह अकबर को खुश करने के लिए बोला कि राजाओं में आप बादशाह अकबर सबसे अच्छे हैं। लेकिन सबसे उत्तर सुनकर बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए और फिर बीरबल का ख्याल करने लगे कि इन सभी का उत्तर बीरबल ही दे सकते हैं। अभी बादशाह अकबर ये बातें सोच ही रहे थे कि बीरबल भी दरबार में आ गए, तो बादशाह अकबर ने तुरंत इन पांच प्रश्नों को बीरबल से पूछ लिया। तो अपने हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध बीरबल ने उन सभी प्रश्नों का जवाब एक एक करके तुरंत दे दिया, जो इस प्रकार थे। फूलों में कपास का फूल सबसे अच्छा होता है, जिनके रुई से कपड़े बनते हैं, जिससे सारी दुनिया पर्दे में रहती है और सबकी इज्जत ढकी रहती है। दूधों में अपनी माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध से ही हमारे शरीर का निर्माण और विकास होता है। मिठास में सबसे मिठास वाणी ही होती है, जो पराए को भी अपना बना लेती है। पत्तों में पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पान से मुंह की मिठास बनी रहती है और उसका पत्ता दर्द में दवा का भी काम करता है। और राजाओं में देवताओं के राजा इंद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन्हें वर्षा का देवता माना जाता है। जिनकी कृपा से जगत में बरसात होती है, तभी जाकर कृषि के बाद लोगों को भोजन मिलता है, जिससे सभी प्राणियों का पालन पोषण होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी संतुष्ट हो गए। और फिर बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दीं।